नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। देखिए, एसएससी के द्वारा सीपीओ का नोटिफिकेशन निकाला गया था 2023 में, और ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया था, टोटल 1876 पदों के ऊपर ये नोटिफिकेशन निकाला गया था सीपीओ 2023 का। इसके जो जो ऑनलाइन फॉर्म थे सीपीओ 2023 के, वो भरे गए थे आपके, जो एप्लीकेशन बिगिन थे जुलाई 2023 में इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे गए थे, और जो लास्ट डेट थी वो अगस्त 2023 इसकी लास्ट डेट थी। उसके बाद इसकी जो प्री का एग्ज़ाम था, जो स्टेज वन का एग्ज़ाम था, वो कंडक्ट करवाया गया था आपका, अक्टूबर में कंडक्ट करवाया गया था। जो आपका एग्ज़ाम था 3 से 5 अक्टूबर को पेपर वन कंडक्ट करवाया गया था। उसके बाद इसका पेपर वन का जो आंसर की थी रिलीज़ कर दी गई थी, और जो पेपर का रिजल्ट था पेपर वन का, वो भी आ गया था 25 अक्टूबर 2023 को। आप सभी का सीपीओ पेपर वन का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। उसके बाद इसका सीपीओ का जो 2023 का था, उसका पीईटी पीएचटी कंडक्ट करवाया गया था, जो 14 नवंबर 2023 को कंडक्ट करवाया गया था। सीपीओ 2023 का पीईटी पीएचटी कंडक्ट करवाया गया था। उसके बाद इसका एग्ज़ाम 2 की भी डेट डिक्लेयर कर दी गई थी, जो पेपर 2 था एसएससी के द्वारा। सीपीओ का मैं बात कर रहा हूँ, दिल्ली पुलिस की ये सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, उसके अंदर जो पेपर 2 था वो 8 जनवरी 2024 को कंडक्ट करवाया गया था पेपर 2। उसके बाद इसकी जो आंसर की थी वो 11 जनवरी को रिलीज़ कर दी गई थी। सीपीओ की पेपर 2 की आंसर की रिलीज़ कर दी गई थी 11 जनवरी को। बच्चे उसके बाद इसके रिजल्ट का वेट कर रहे थे, पेपर सेकेंड के रिजल्ट का वेट कर रहे थे। तो फाइनली अब आप सभी का इंतजार खत्म कर दिया गया है। जो जो बच्चे एसएससी सीपीओ 2023 से संबंधित है या फिर जुड़े हुए हैं, जिसने पेपर 2 एग्जाम दिया था, उसके लिए अब गुड न्यूज आ गई है। एसएससी के द्वारा अब सीपीओ 2023 का पेपर सेकंड का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो मैं यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट में आपको दिखाने वाला हूँ पेपर 2 की कितनी कट ऑफ गई है, जो मेडिकल में कितने बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं, इसके बाद मेडिकल नेक्स्ट स्टेज मेडिकल होने वाले हैं उन बच्चों का, जो बच्चे पेपर 2 में क्वालिफाई किए गए हैं कितनी कट ऑफ गई है, कितने बच्चे मेल सेलेक्ट हुए हैं, कितने फीमेल सेलेक्ट हुए हैं, सारी डिटेल हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो ये रिजल्ट जो आपका डिक्लेयर कर दिया गया है, अगर आपने पेपर दिया था तो आप अपना रिजल्ट जरूर देख लीजिएगा। पेपर 2 का रिजल्ट आपका आ चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आपको अपना रिजल्ट डाउनलोड करना है, या फिर मैं डायरेक्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, वहां से आप अपनी ये जो पीडीएफ मैं डालूंगा कट ऑफ की और मेल फीमेल की लिस्ट डालूंगा, वहां से भी आप डायरेक्ट अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पे एड्रेस बार में आप एसएससी लिखेंगे, जहाँ पे आप एसएससी लिखेंगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे खुल जाएगी, देख लीजिएगा। सबसे पहला ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस सीएपीएफ एग्जामिनेशन 2023 डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ पेपर सेकंड टू शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है। तो हम डायरेक्ट इसके रिजल्ट सेक्शन में चलते हैं। तो रिजल्ट सेक्शन में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये सीएपीएफ पे आप करेंगे क्लिक, सीएपीएफ पे आप क्लिक करेंगे तो ये देख लीजिएगा यहाँ पे सब इंस्पेक्टर पहली लिस्ट, लिस्ट 3 यहाँ पे बताई गई है, ये लिस्ट 2 है और ये लिस्ट 1 रखी गई है। तो ये तीनों लिस्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे कट ऑफ की बात कर लेते हैं, तो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से और ओके करके इसको ओपन विद कर लेते हैं, इसकी कट ऑफ देख लेते हैं एक्चुअल में। तो यहाँ से ये देख लीजिएगा इसकी कट ऑफ ओपन हो चुकी है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आई होप आपको अब अच्छे से शो हो रहा होगा, दिख रहा होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, रिजल्ट ऑफ फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीईटी पीएचटी जिसको बोला जाता है, ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस सीएपीएफ एग्जामिनेशन 2023 वर डिक्लेयर्ड कमीशन ऑन 20/12/2023। जो पीईटी पीएचटी कंडक्ट करवाया गया था एसएससी के द्वारा सीपीओ यानी कि दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का, उसका जो रिजल्ट था वो 20 दिसंबर को रिलीज कर दिया गया था। वेर एवर 8544 कैंडिडेट मेल टोटल थे, 8544 कैंडिडेट जिसमें मेल थे 7923 एंड फीमेल थी 621 वर शॉर्टलिस्टेड फॉर अगेंस्ट पेपर सेकंड। तो 8544 मेल और फीमेल दोनों बच्चों को मिलाकर यहाँ पे 8544 बच्चों को पेपर सेकंड के लिए क्वालिफाई किया गया था, और जो पेपर सेकंड था वो कंडक्ट करवाया गया था 8 जनवरी 2024 को, पेपर सेकंड कंडक्ट करवाया गया था एसएससी सीपीओ 2023 का। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं थोड़ा सा
ये पेपर में थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी दी गई है। पेपर सेकंड यूआर के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग 30% था, मतलब 60 मार्क्स लेने थे, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% था मिनिमम क्राइटेरिया, 50 मार्क्स था, और जो ऑल अदर कैटेगरी रिजर्वेशन रहेगी एससी एसटी उनके लिए 20% था, 40 मार्क्स था। तो ये थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी दी गई है, आपको पता ही होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। यहाँ पे देख लीजिएगा पेपर, यहाँ पे फीमेल की बात की गई है, फीमेल की कट ऑफ देख लीजिएगा, पेपर वन और पेपर टू को मिला के यहाँ पे बताया गया है। एससी की कट ऑफ देख लीजिएगा 213.3 गई है, यहाँ पे ये कंप्लीट आप देख लीजिएगा, पेपर वन और पेपर टू को मिला के मैं बात कर रहा हूँ। एससी की कट ऑफ 213.3 गई है, और यहाँ पे कैंडिडेट अवेलेबल देख लीजिएगा 78 है। मैं फीमेल की अभी बात कर रहा हूँ, इसके बाद हम बात करेंगे मेल की। उसके बाद एसटी की बात कर लीजिएगा, 235 यहाँ पे एसटी की गई है, और जो कैंडिडेट अवेलेबल है वो 46 है। ओबीसी की बात करें तो इनकी कट ऑफ 247.1489 गई है, यहाँ पे कैंडिडेट 238 अवेलेबल हैं, और जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है वो 265 गई है, और इसमें जो कैंडिडेट है वो 113 यानी कि 113 कैंडिडेट इसके अंदर अवेलेबल हैं। उसके बाद यूआर यानी कि जर्नल की बात करें तो इसकी कट ऑफ काफ़ी हाई गई है, 309 यानी कि 309 इसकी कट ऑफ गई है पॉइंट में आप देख लीजिएगा, और 93 इसके अंदर कैंडिडेट अवेलेबल हैं। टोटल की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिएगा 568 कैंडिडेट अवेलेबल किए गए हैं फीमेल के अंदर एसएससी सीपीओ के अंदर। तो हम आगे आ जाते हैं थोड़ा सा और मेल की यहाँ पे कट ऑफ की देखने की कोशिश करते हैं। जो यहाँ पे मेल की कट ऑफ गई है एससी की देख लीजिएगा, पेपर वन और पेपर टू को मिला के 160 नंबर गई है एससी की, और 786 कैंडिडेट इसके अंदर अवेलेबल है। एसटी की बात करें तो 165 इसकी कट ऑफ गई है, और 442 कैंडिडेट इसके अंदर अवेलेबल है। ईएसएम की बात करें तो 133 इसकी कट ऑफ गई है, पेपर वन और पेपर टू को मिला के 865 कैंडिडेट अवेलेबल है। ओबीसी की बात करें तो 214 कट ऑफ इसके अंदर गई है, और जो कैंडिडेट अवेलेबल है वो 2542 कैंडिडेट इसके अंदर अवेलेबल है। उसके बाद हम बात करें ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की, तो 217 इसकी कट ऑफ गई है पेपर वन और पेपर टू को मिला के, और टोटल कैंडिडेट 1142 अवेलेबल हैं इसके अंदर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यूआर जर्नल की, तो 294.98120 कट ऑफ गई है इसकी, और 701 कैंडिडेट अवेलेबल है। इस हिसाब से 6478 कैंडिडेट यहाँ पे अवेलेबल टोटल किए गए हैं एसएससी के द्वारा सीपीओ 2023 के बारे में। तो ये थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी दी गई, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा। बताया गया द रिजल्ट इन रिस्पेक्ट 60 कैंडिडेट हैव बीन कैप्ट विद द हेल्ड ड्यू टू वेरियस रोल नंबर दीज कैंडिडेट इज पर लिस्ट मेडिकल। ये थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी आप पढ़ना चाहिए तो पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज स्किप कर दीजिएगा। तो ये कट ऑफ गई है एसएससी सीपीओ की मेल और फीमेल 2023 की हमने बात कर ली है, ये कट ऑफ गई है, आप कट ऑफ देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं सीधा इसके रिजल्ट सेक्शन में, जो लिस्ट इनकी बताई गई है। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिएगा सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस एपीएफ 2023 लिस्ट फीमेल कैंडिडेट क्वालिफाई पेपर सेकंड अपीयरिंग इन मेडिकल एग्जाम। तो ये सबसे पहली जो लिस्ट दी गई है ये हम डाउनलोड कर लेंगे, और ये फीमेल की दी गई है जिन्होंने पेपर सेकंड क्वालिफाई किया है, जो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई किया है जिन लड़कियों ने या फीमेल ने, उनकी लिस्ट हम देख लेते हैं, यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। तो ये डाउनलोड करने के बाद हम थोड़ा सा देख लेंगे यहाँ पे ओपन विद करके, इसको गूगल क्रोम में चेक कर लेंगे। तो ये देख लीजिएगा ये लिस्ट आ गई है, ये यहाँ पे आप नाम वाइज भी देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो ये देख लीजिएगा सोनिका सरमल प्रीति पूनम, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा लिस्ट दी है, लिस्ट वन है, ये फीमेल की लिस्ट है, और ये 14 पेजों की लिस्ट है। तो आप आराम से बैठ के अपना नाम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। अगर आपका नाम आ गया है मेडिकल के लिए तो बहुत बहुत बधाई आपको, और अच्छे से आप रिजल्ट देख लीजिएगा। एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको ये लिस्ट मिल जाएगी, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी आप अपना जो लिस्ट है वो देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मेल की, यहाँ पे देख लीजिएगा सब इंस्पेक्टर लिस्ट फॉर मेल, जो लड़के हैं जो मेल हैं कैंडिडेट जिन्होंने पेपर टू क्वालिफाई कर लिया है उनकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। तो इसको भी हम डाउनलोड करके थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, ओपन विद करके इसको क्रोम कर लेंगे, और यहाँ पर ये शो कर जाएगी लिस्ट। तो ये देख लीजिएगा ये लिस्ट आ गई है मेल की, यहाँ पे देख लीजिए शुभम कुमार और ये रविंद्र कुमार संदीप, ये देख लीजिएगा टोटल यहाँ पे 131 पेज की ये पीडीएफ दी गई है मेल की। तो आप आराम से बैठ के चेक कर लीजिएगा, लिस्ट काफ़ी बड़ी है। इस लिस्ट को भी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं और लिस्ट को देख लीजिएगा। उसके बाद हम ये मेल फीमेल की बात हो गई, उसके बाद लिस्ट विद हेल्ड कैंडिडेट लिस्ट थ्री को भी देख लेते हैं, इसमें क्या बताया गया है। लिस्ट थ्री को हम देख लेते हैं डाउनलोड करके, ओपन विद करेंगे तो इसको गूगल क्रोम में करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी। और यहाँ पे देख लीजिएगा एसआई इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एग्जाम 2023 पेपर टू लिस्ट विद हेल्ड कैंडिडेट, सो विद हेल्ड की कैंडिडेट है ये भी आप देख लीजिएगा, मैं इसको भी डाल लूँगा।
तो ये रिजल्ट आपका डाउनलोड बता दिया गया है एसएससी के द्वारा, तो आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। एसएससी के द्वारा जो सीपीओ 2023 की भर्ती निकाली गई थी, नोटिफिकेशन निकाला गया था, 1800 प्लस पदों पर ये भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था। अब इसका पेपर टू का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, तो जब भी जल्दी से जल्दी अगर आप एसएससी सीपीओ 2023 पेपर सेकंड से संबंधित हैं तो अपना रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं। कल रात को इसका रिजल्ट आ गया था, अब अपना अपना रिजल्ट देख लीजिएगा। कट ऑफ की लिस्ट और जो मेल फीमेल की लिस्ट है वो तीनों मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप अपना आराम से रिजल्ट देख सकते हैं, या फिर आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।